उसके बाद फिर एक कमरा ये, एक कमरा ये, फिर उसके बाद एक कमरा ये है। इस कमरे में कौन था? इस कमरे में एक छोटा सा लड़का सो रहा था। अच्छा, जिसकी खून की छींटे अब भी हमारे खून की छींटे, ये एक बार दिखाएंगे, ये दीवार पे आप खून की छींटे देख रहे हैं, ये खिड़की तक, ये अब तो खैर थोड़ा कलर डाउन हो गया है लेकिन छींटे अभी भी बरकरार हैं। तो ये उसका छोटा भाई था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मेरठ में। शबनम केस में अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू है। हाँ दोस्तों, शबनम के चाचा चाची, गांव वाले और जो भी कुछ है दोस्तों, वह सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, शबनम के चाचा चाची का यह एक ऐसा इंटरव्यू है जो कि आपको कंप्लीट जानकारी दे देगा। यह वीडियो सच में हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आया हूँ। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। दोस्तों, शबनम के चाचा चाची जो कि ऐसा राज खोल देते हैं जिसकी वजह से आप भी हैरान हो जाओगे, सच में बहुत ही बड़ी जानकारी के साथ आपके सामने आया हूँ। सबसे बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू आज इस वीडियो में आप खुद देख लो। तो अब मैं बात कराऊंगा अपने एक ताऊ जी से। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस अहमद, अनीस अहमद जी, जैसे कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि शबनम को फांसी लगेगी, फांसी लगेगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? फांसी नहीं लगनी चाहिए, फांसी नहीं लगनी चाहिए। महिलाओं को है भारत में? महिलाओं को भारत में नहीं है, लेकिन उसने इतना जघन्य अपराध किया है, अपने फैमिली के 7 आदमियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कोई चश्मदीद नहीं है इसमें? चश्मदीद नहीं है। हाँ। मतलब आप फिर आप कोर्ट को नहीं मानते एक तरीके से? नहीं, कोर्ट को तो मानना, कोई हो तो हो, चश्मदीद तो हो। जैसे कि अभी जो है अनीस हेमंत जी हैं, ये कह रहे हैं कि भारत देश में, आजाद भारत में जो है महिलाओं को फांसी का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसी चीज को जो है नजर रखते हुए ये कह रहे हैं कि लेडीज को जो है फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट अपने तरीके से काम करेगी, किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन सब चीजों को हम दिखाएंगे अंदर। एक बार हम पहले आपको अंदर लेके चलते हैं कि अंदर जो है कौन है यहाँ पे मकान में, कौन उनकी देख रेख कर रहा है, या फिर अंदर किस तरह के हालात हैं इस मकान के, उसी चीज को हम दिखाने के लिए अब हम अंदर चलते हैं। अमरोहा जिले का बावन खेड़ी गांव और बावन खेड़ी गांव के अंदर शबनम का वो मकान, जिस मकान के अंदर 7 फैमिली के 7 मेंबर्स की हत्या कर दी गई, तो ये वही मकान है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी क्या कंडीशन है इस मकान की। तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से बिल्कुल लाइव तस्वीर है कि ये बावन खेड़ी में जो शबनम ने जो है कत्ल किए थे 7 आदमियों के, तो उसी का ये मकान है। यहाँ पे उनके कुछ फैमिली मेंबर, ताऊ चचा वगैरह रहते हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्तार अली है। सत्तार अली, आप शबनम जी क्या लगते हैं? हम चचा लगाए। चचा लगते हैं। तो जैसे शबनम को जो है कोर्ट ने फांसी का आदेश कर दिया, उस बारे में क्या कहेंगे? जो आदेश कोर्ट का वो हमें मंजूर है। कोर्ट का आदेश आपको मंजूर है? हाँ। तो मतलब ऐसा कौन सा इश्क था, मतलब उसने 7 आदमियों का कत्ल किया? हमें कोई मालूम नहीं, हम यहाँ यही ना। आप कहाँ पे थे? हम दूसरे गांव में रहे, तारपुर में, तारपुर के ये रहने वाले। अच्छा, तो फिर यहाँ पे, मतलब पहले तारपुर के रहने वाले थे, फिर यहाँ पे आके रहने लगे? हाँ, अपने खेत में जगह बनाई। अच्छा, ये खेत, मतलब ये खेत था उनका? हाँ, उनका हमारा साझे में खेत है, या फिर आगे पीछे वो कहीं भी वहीं तक है। कितनी जमीन थी मतलब उनका? है जी 16 एक भी। 16 एक बीघे जमीन, इसमें 2 हिस्सेदार हैं? अच्छा, मतलब 16 बीघे में आपका भी हिस्सा है? हाँ। जिनका इंतकाल हो गया उनका भी हिस्सा है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अब हम उनको, आपको जो है इनके अंदर जो है घर लेके चलते हैं। घर का जो है अंदर का हम एक बार आपको नजारा दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है उनके घर की। ये है उनका घर। तो ये घर जो है, मतलब आपने बाद में कुछ काम किया या जब से ऐसी है जैसे था? ये दीवारें करवाएंगे। अच्छा, बंद करवाया, मतलब पहले दीवारें वगैरह नहीं थी ना? अच्छा, तो ठीक है, ये मैं उनके घर पहुंच चुका हूँ, तो मैं अब बात कराऊंगा। ये हैं शबनम की चाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
क्या नाम है आपका? फातिमा जी। तो फातिमा जी, जैसे कोर्ट ने आदेश किया है शबनम को फांसी लगाने के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं आजीवन कारावास हो जाए, फांसी नहीं होगा उसे। आजीवन कारावास हो, फांसी ना हो। अच्छा, एहसास तो करेगी थोड़ा बहुत क्या, हाँ मैंने क्या करा है, ऐसे तो मर जाएगी हुई। हाँ। अब वो बच्चे की भी परवरिश कर लेगी अपने। तो मतलब जो है आजीवन कारावास हो, बच्चे की भी मतलब थोड़ी परवरिश हो जाए, और जो है उसको एक एहसास हो, एक मतलब कुल मिला के जैसे क्या कोई इंसान अगर गुनाह करता है या कोई जुर्म करता है तो फांसी देना तो एक नॉर्मल, मतलब आपके निगाह में यह है कि फांसी होगी इंसान खत्म हो गया, उसको कोई इतना दुख एहसास नहीं हुआ कि हाँ भी। हाँ, तो मतलब अगर वो जिंदा रहे तो उसे एहसास होगा हाँ भी मैंने क्या गुनाह किया। हाँ, हम तो यही चाहते हैं जिंदा ही रहे। तो आखिर मतलब उस रात ऐसा क्या हुआ, मतलब अकेली लड़की ने सात आदमियों को मतलब कत्ल किया? हम यहाँ रहते ना थे उस टाइम पे, हम दूर दूसरे गांव में रहते थे। साथ में कोई और भी था उसके या वो अकेली थी? अकेली थी इस टाइम तो। अब अल्लाह बेहतर जाने, वो जाने उसका ईमान जाने कौन था कौन ना था। अकेली लड़की ने सात आदमियों का कत्ल कर दिया, तो ये भी एक अपने आप में बहुत सुलझा हुआ मुद्दा है कि एक इंसान, वो भी एक लेडीज, सात आदमियों का कत्ल कर दे, अपना आप में एक मतलब बहुत ही उलझा हुआ मुद्दा है। तो कोर्ट को ये भी थोड़ा चेक करना चाहिए, मतलब अकेली थी या फिर कोई? हाँ, अकेली न तो सलीम था, वो थी, दोनों ही थे, दोनों ही थे। हाँ, जैसे बताया गया कि पहले उनको नशे में कोई दवाई दी गई, उसी के बाद फिर? हाँ, सुना था ऐसा ही था कि नशे की इतनी हैवी दवाई दे दी थी कि खुद ही मर गए थे, मरे मराया को काटा था उसने। अच्छा, सुनाया में तो यही आया, जब केस खुला था तो हमने तो यही सुना था। अच्छा, तो जो शबनम का जो लड़का है वो अभी कहाँ है? वो तो उनने अपने जानते को दे रखा। अच्छा, मतलब उनके कोई जानने वाला कोई इंसान है? जानने वाला साथ का पढ़ा हुआ है उसके। अच्छा, पत्रकार है, उसको दे रखा उसने। अच्छा, तो वो मतलब कितनी पढ़ी लिखी थी? डबल एम में करे हुए थे। डबल एम में कुरान उरान सब पढ़ी हुई थी। इतना एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी ऐसा जुर्म किया? हाँ, इतना बड़ा जुल्म किया उसने। तो उनके जो पापा जी थे वो क्या करते थे? कला के मास्टर थे। कला के मास्टर थे? सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे कला के, इंटर कॉलेज में। ये कौन से इंटर कॉलेज में थे? किसान इंटर कॉलेज यहीं पे? हाँ, ताहरपुर में किसान इंटर कॉलेज है। तो जैसे कि कह रहे हैं आपके आजीवन कारावास हो, तो उसके लिए कोई किसी ने दया याचिका डाली हो या तो किसी ने डाली है? उसके लड़के ने डाली है, उसने डाली है। तो दया याचिका डाली है, आगे देखते हैं कोर्ट क्या करेगा। लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है कि जब हमारे देश में किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी जो है पहले मुकर्रर करता है कोर्ट, कोर्ट सजा सुनाता है कि हाँ भी आपको जो है फांसी दी जाएगी। उसके बाद फिर उसमें एक अपील की जाती है राष्ट्रपति के यहाँ पे, तो राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील हुई तो राष्ट्रपति ने भी जो है कह दिया कि हाँ फांसी ही होनी चाहिए। तो उसके बाद लगता है आपको कि मतलब ये दया याचिका जो उन्होंने दी है उसमें कुछ होगा? अब क्या पता, सरकार ही जाने इस बात को, तो सरकार रहम भी कर सका है ना भी कर सकती, बच्चे की वजह से रहम भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप पहले से रहते थे या फिर जब उनका इंतकाल हो गया उनके? जब हमारा सारा काम साझे में रह करता। अच्छा, दोनों का? हाँ, हमारे सब साझे में ही थे, सब साझे में ही, खेती बाड़ी सब, बिल्डिंग उल्डिंग सब साझे में ही थी। अच्छा। पहले से ही रहते थे, उस टाइम पे हम अलग थे। अच्छा। रोटी रोटी अलग थी, वैसे हमारा सारा काम एक जगह ही था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, मकान के रख रखाव आ गए थे हम तो रात को 2 बजे। उसके बाद से यहीं पे हैं, ऐसे एक सेकंड को भी ना आ गए हम यहाँ से। अच्छा। हैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। तो उनका जो है दफीना यहीं पे, मतलब इसमें मकान में ही अंदर? अच्छा। तो वो जगह अभी यहीं मतलब इधर ही है, चार तरफ दीवार करा दी? अच्छा। तो जैसे वो लड़का है उनका, उसमें अभी जहाँ भी पल रहा है, तो अब बड़ा होकर जब वो परवरिश होगा तो उसके बाद अगर वो बच्चा इधर गांव में आएगा तो उसको पनाह मिलेगी यहाँ पे? पनाह यूँ मिलेगी क्या, तो सलीम पे जाएगा, सलीम की दौलत पे जाएगा। जब सलीम का कहलाया गया दुनिया में मशहूर है। हाँ। क्या वो लेगा जिसने ये कागजों द्वारा लिया है? नाजायज है वो। अच्छा, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी, नाजायज औलाद है वो। सलीम है उसका,
ग्राहक या जिसने लिया है कार के द्वारा जेल से, वो उसका मालिक है। अच्छा, हमारी दौलत से कोई मतलब नहीं उसे। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे भी मतलब जैसे आप कह रहे हैं नाजायज है, बिना निकाह के वो सही बेनिकाह का, अगर निकाह हुआ होता तो हमारी दौलत में साजी था। हाँ। अब सलीम की दौलत में साजी है क्या, उसकी दौलत में साजी है जिसकी क्या नाम है, जिसने गोद ले रखा हो। अच्छा, तो ये सब बातें तो खैर हो गई, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज के जो युवा पीढ़ी है? सुधार देना चाहेंगे, जो सुधार आ जाए लड़कियों में, यही सुधार देना चाहोगे और क्या। बहन बेटियां तो तुम्हारी भी हैं। बिल्कुल है, हमारी भी है। तो बस तो इस तरीके से सुधार लेकर चलो कि आगे को भी कुछ ना हो पावे। हमारी भी बहन बेटी है और भी बहन बेटियां हैं, तो उन सबको एक कोई संदेश के, हाँ भी जो जुर्म उसने किया है आगे कुछ ऐसा ना करें बच्चे। हाँ, यही होना चाहिए, सुधार ही होना चाहिए दुनिया में, और क्या है, और क्या करना चाहिए। क्योंकि हाँ मतलब भाग जाती तो साल में सब एक हो जा, पर इसने तो दौलत की वजह से जने किस लिए करा, अल्लाह ही जाने इस बात को। तो ये वो जान सकती है, हम नहीं जान सकते इस बात को क्या क्यों करा उसने। कहीं ना कहीं अगर बारीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं माल दौलत का ज्यादा मुद्दा लगता है और इसकी मोहब्बत का कम। दौलत के चक्कर में करा उसने, जो जितना भी करा उसने दौलत के चक्कर में मोहब्बत, या इसका मामला होता जो सच्ची, अगर सच्ची मोहब्बत होती तो घर से चले जाते या फिर वो कहीं जगह करके रहते। हाँ, घर से चली जाती तो कोई भी चिंता ना होती, सब रिल मिल हो जा, सब साल में दो साल में सब एक हो जा। ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब उसने घर कहा हो कि हाँ मुझे उस लड़के से मोहब्बत है तो शादी वादी करने के लिए मना कर दिया? इस बात की पता नहीं जी, समाज में बैठने वाले थे वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, सियात शर्म की वजह से न कहा हो उन्होंने, उसने कहा हो बीच और न कहा हो, इस बात के हमारे सामने नहीं कहा जी, हम कह बेकार में जो फालतू बात कहे मैं। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और है, क्या नाम है जी, हमारी जो संपत्ति है शबनम की, उस पे याचिका डाल लिया सुकन, औरों को बेच रिया। ये सुकन कौन? हाँ, सुकन वो है जो इस केस में पिटा था, उसने औरों को बेच रखी है, वो उस पे हम पे हावी करना चाह रहा, हमें निकलवाना चाहता है वो चचा को। कब्जा करना सुकन वाले? अच्छा, गांव वाले करवा रिया है, गांव वालों को लोग उसके साथ जुड़े हुए। अच्छा हाँ, ये सुकन कौन है? ये सुकन इंसान कौन है? सुकन वही है इसमें पिटा था, उसका तेरा भैया आम आदमी है, मतलब सलीम का तेरा भैया? नहीं नहीं, शबनम का तेरा भैया है, जो उनसा केस में पिटा था सुकन। नहीं, आपने बताया कि शबनम के चाचा थे, शबनम दो भाई थे, तेरा भैया ताऊ का लड़का था। अच्छा, कुनबे का, दूर का, बहुत दूर का। अच्छा अच्छा, जो केस में पिटा था वो वही याचिका डाल लिया, फिर परेशान कर रहा हमें, गाँव वालों को उचकाता रहता। तो उसका क्या आधार करना चाहिए? नहीं, उसमें अगर ऐसी कोई बात है तो कोर्ट उसका भी संज्ञान जरूर ले, मेरी रिक्वेस्ट कोर्ट से भी यही रहेगी। दबिश डालना चाहे चाचा पे कि हाँ हमें मार पीट के निकाल दें इसे। अच्छा। बच्चों को डराता रहता, धमकी देता रहता है, कानून के तरीके आए दिन क्या नाम है, धमकी देता रहता। अब बताओ हमारे नन्हे खुन्ने बच्चे, हम कहाँ तक दब ढक कर रहे हैं, हमारे जंगल का भी काम है, पशु पालते हैं हम, ये थोड़ी है कि हम ताले में ही बंद रहेंगे। मतलब एक तरीके से आपके साथ वो दबंगी दिखा रहे हैं, हम दबकर नहीं रहने के उससे। अच्छा, तो कोर्ट से बस यही रिक्वेस्ट है, जरूर बतानी है तुम्हें, जरूर ये खबर सबको देनी है। ठीक है। हाँ, ये हम आपका, तो ये जो है शबनम के चाचा और चाची थे, और मैं शबनम के मकान में आपको दिखा रहा था कि उस रात को क्या हुआ था और किस तरीके से कत्ल हुआ था। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, मतलब दूसरे कमरे पर जाना है जहाँ पे क्या ये जघन्य अपराध किया गया। तो हमारे साथ शबनम के चाचा जी हैं, वे हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। और क्या हालत थी या किस तरीके से, मतलब किस जगह पे कत्ल किए गए, उस जगह को दिखाने के लिए अब हम ऊपर छत पर आ गए हैं। तो ये है शबनम के मकान का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पे उसके पापा मतलब थे। अच्छा, इस जगह पे उनके पापा थे यहाँ पे, और बाकी फैमिली मेम्बर कहाँ थे जो मतलब सारे कत्ल किए थे? हाँ, एक कमरा ये है। अच्छा, उसकी अम्मी की खाट यहाँ पे थी, वो उसकी फुफेरी बहन थी यहाँ पे, इधर इस साइड में। अच्छा, इस तख्त पे थी। तो ये कमरा है उनका, मतलब उनकी अम्मी का। अच्छा, ये उनकी अम्मी का कमरा है, ये फोटो आपके हैं। अच्छा, ये एक बार जूम करके दिखाएंगे, मास्टर जी का फोटो है कोने पे, ये उनके चाचा हैं, उनकी चाची है
और ये लड़की, अरे लड़का कौन है? आपके हैं? अच्छा, ये आपके बच्चे हैं, पूरी फैमिली है आपकी ये। तो ये ऊपर चाचा जी, उनके पिताजी थे कोने में, ये उनका कमरा है। अब दिखाते हैं हम आपको बाहर दूसरे कमरे में। ये दूसरा कमरा है, मतलब यहाँ पे भाई था। अच्छा, यहाँ पे भाई और इधर भाभी और बीच में यहाँ पे बच्चा था, मतलब जहाँ पे जो लोग थे उनका कत्ल वहीं भी किया गया। अच्छा, तो पहले नशे की दवा दे दी गई, उसके बाद फिर एक कमरा ये, एक कमरा ये, फिर उसके बाद एक कमरा ये है। इस कमरे में कौन था? इस कमरे में छोटा सा लड़का कुआरा था। अच्छा, जिसकी खून की छींटे, ये एक बार दिखाएंगे। ये दीवार पे आप खून की छींटे देख रहे हैं, ये खिड़की तक। ये अब तो खैर थोड़ा कलर डाउन हो गया है, लेकिन छींटे अभी भी बरकरार हैं। तो ये उसका छोटा भाई था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मेरठ में, राशिद। ये राशिद छोटा भाई था उनका, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरठ में कर रहा था, वो इस कमरे में था। उसका कत्ल, मतलब जो इंसान जहाँ पे था उसका कत्ल वहीं पे किया, वहीं पे उसका कत्ल कर दिया। तो मतलब बहुत ही, एक तरीके से बहुत ही खतरनाक रात थी वो, बहुत ही खतरनाक मंदिर था बावनखेड़ी गांव के लिए भी, और आपके परिवार के लिए भी बहुत ही। अब हम आपको दिखाएंगे इसी मकान में उनको मतलब दफन किया गया है। तो आपको दिखाते हैं कि वो किस एरिया में कैसे दफन किए गए हैं। तो आई थिंक सो कि कब्र तो खैर अब नहीं रही होंगी, वो अभी हैं कब्रें। अच्छा, अभी कब्रें हैं। तो मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं। 14 अप्रैल 2008 की रात को जो कत्ल किए गए शबनम के द्वारा, शबनम और सलीम के द्वारा, तो उनकी, उन्हीं के मकान में, शबनम के जो यहाँ पे जो बावनखेड़ी में जो मकान है उसमें एक कब्रें बनी हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कब्रें हैं। थोड़ा नज़दीक से एक बार दिखाएं। तो ये मतलब ये बच्चे की कब्र है, इधर इधर बच्चे की कब्र है। बाकी जो बड़े लोग थे, दो भाई थे उनके, दो भाई थे, भाभी थी और माता पिता थे। एक मौसी की लड़की थी, एक मौसी की लड़की थी उसका भी मतलब जी। अच्छा, तो ये टोटल 7 कब्रें हैं यहाँ पे। तो आप भी, आप बावन जितने भी यहाँ लोग हैं, सब ये बावनखेड़ी से रहने वाले लोग हैं। तो मतलब आपके हिसाब से क्या, मतलब फांसी लगनी क्राइम तो क्या है उन्होंने, लेकिन ये है कि इतनी सजा काट चुके तो बेहतर है कि उम्र कैद हो जाए। उनका एक बच्चा है, परवरिश होती रहेगी उसके, और क्या बेहतर है। और जैसा कानून करेगा बेहतर ही करेगा। तो मतलब इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, जैसे हमारे देश में आज तक खैर किसी महिला को फांसी नहीं लगी है, तो उसी चीज को देखते हुए ताऊ जी भी बोल रहे थे कि जैसा हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा प्रावधान है नहीं जी, है जी, जी। तो लेकिन राष्ट्रपति जी ने तो खैर अप्रूवल किया था कि फांसी होगी, उसके बाद भी दया याचिका पेश कर दी गई है लड़के द्वारा के उसकी मम्मी को फांसी ना लगे ताकि उसकी परवरिश हो सके। तो आप ये बावनखेड़ी से लाइव तस्वीरें देख रहे थे और आप देख रहे हैं दिन ऐसा नेरा। मैं अब्दुल माजिद, थैंक यू।